नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत से रिलेटेड एक अच्छी अपडेट आप लोगों के साथ बताऊंगा। दो अपडेट्स, अगर आप कुवैत जाना चाहते हैं या आप कुवैत में रहते हैं तो भैया उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ है कि कर्फ्यू से रिलेटेड। जी हाँ, डिटेल से बात करने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो मैं बता दूं आपको, दो पॉइंट पे बात कर लेते हैं। पहले मैं बता दूं 30 अगस्त, जी हाँ साथियों 30 अगस्त को मॉर्निंग सुबह 3 बजे से आंशिक रूप से कर्फ्यू स्टार्ट बंद हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आंशिक का मतलब लगभग कर्फ्यू खत्म कर दिया जाएगा। 30 अगस्त 3 बजे मॉर्निंग का टाइम है। जी हाँ सर, तो ये अच्छी न्यूज़ उन कुवैत में रहने वाले लोगों के लिए है जो जॉब नहीं जा पा रहे हैं वगैरह वगैरह, कोई भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनके लिए राहत मिल सकती है। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अगर आप कोई भी कंट्री से हैं, चाहे दुबई, चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बंगाल, बांग्लादेश, कहीं से भी हैं, आपके पास वैलिड वीज़ा है, आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है लेकिन कुवैत की फ़्लाइट बंद है, आप सब लोगों को पता है आप कुवैत नहीं जा पा रहे क्योंकि इसका रीज़न है कोविड-19 को देखते हुए कुवैत सरकार ने 31 कंट्रीज पे अस्थायी बैन लगा रखा है फ्लाइट से रिलेटेड, यानी इधर की फ्लाइटें उधर नहीं जा सकती। जी हाँ, अब आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, आपकी मजबूरी है, कोई सरकार ने घोषणा भी कर दी 31 अगस्त के बाद में हम वीज़ा रिन्यू नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नया अपडेट निकल के सामने ये आया साथियों, कुछ लोगों ने दिमाग लगाते हुए, क्योंकि देखिए दुबई से कुवैत फ्लाइटें जा रही हैं, कतर से फ्लाइटें या फिर ओमान बहरीन से फ़्लाइटें जा रही हैं क्योंकि वहाँ पर कोविड-19 बिल्कुल नए के बराबर रह गया है, तो लोग दिमाग लगाते हुए जा रहे हैं कहाँ पर, यूएई दुबई जा रहे हैं या फिर कतर जा रहे हैं या दूसरी कंट्री जा रहे हैं, वहाँ पे आपको पता है 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा और दुबई में तो क्वारंटाइन भी ज़रूरत नहीं है भैया, कोविड-19 की रिपोर्ट, आप दुबई जाओ, दुबई से फिर आप कुवैत जा सकते हो, ऐसा ऑप्शन आया न्यूज़ में निकल के, लोग कुवैत पहुँच भी चुके हैं, एविडेंस मैं आपको दूंगा, आप चाहे तो आप न्यूज़ को पढ़ सकते हैं, ऐसा काम आप भी कर सकते हैं भैया। खर्चा तो देखो एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि आप दुबई जाओगे दुबई का खर्चा हो गया, फिर दुबई से आप कुवैत जाओगे तो कुवैत का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, फिर आपको क्वारंटाइन कुवैत में भी रहना पड़ेगा, 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा कुवैत में, फिर आप रिपोर्ट इधर नहीं बनाते हो तो दुबई में भी वगैरह वगैरह, या फिर कतर में रहना पड़ेगा, कतर में 7 दिन 14 दिन का ऑप्शन आपको पता ही है सबको। तो इस तरह से कहने का मतलब ये खर्चा लगेगा लेकिन कुवैत पहुंच सकते हैं, ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है, लोग पहुंच चुके हैं कुवैत में। जी हाँ, ये वहाँ की लोकल न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि इस तरह से लोग कुवैत में आ रहे हैं। दूसरा अपडेट ये भी आया साथियों, कल की डेट में बता दूं 19 अगस्त को सरकार में एक समझौता हुआ, एक नया कानून बना है कि जिसमें मान लीजिए आप वहाँ पे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे पूर्ण वेतन के आधार पर क्षतिपूर्ति का कानून बना दिया गया, अगर आपको वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है तो पूर्ण वेतन के आधार पर आप क्षतिपूर्ति, आपके आपका हर्जाना लेने के हकदार बन गए हो कुवैत में। जी हाँ, ये प्राइवेट क्षेत्र में जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर ये नियम लागू हुआ है जो एक दो मतलब 1 अगस्त के बाद में पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा, अभी संविधान में उसको मान्यता मिल चुकी है, 19 अगस्त की न्यूज़ है। जी हाँ, तो मेरे हिसाब से दोनों न्यूज़ आपको अच्छी लगेंगी साथियों, कुवैत में खासतौर से जाने वालों के लिए और वहाँ पर रहने वालों के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें ताकि हर रोज़ आपको नया अपडेट जैसे कुवैत का आता है मैं शेयर कर देता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे।